हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स हिट्स द ग्राउंड फॉलोइंग पैराबोलिक पार्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का यू कॉस थीटा वो कॉन्स्टेंट रहता है और यू साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है गाइस, तो गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ऐसा होगा गाइस कुछ हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको मैं लिख देता हूँ एटी, जो कि आप देख सकते हैं ये किस पे डिपेंड होता है हमारा वी पे, इस वाली वेलोसिटी पे। ठीक है गाइस, यानी कि गाइस मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो हमारा वी होगा वो हमारे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी जिससे जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया वो वाली वेलोसिटी होगी ये वी हमारी। ठीक है, तो गाइस लेकिन हमें यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड पूछा गया तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछा है इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेंगे। तो गाइस अब हमें ध्यान रखना है कि हमें ये तो पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हमारा यू कॉस थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये चेंज नहीं होता, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा ये चेंज होता है क्योंकि इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी यू वो होगी हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, ये होगी। ठीक है गाइस, रूट में होगी। ठीक है, तो गाइस अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो यू साइन थीटा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वाली टर्म होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये चेंज होती रहेगी। तो हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें जो इनिशियली क्या होएगा कि जो हमारे यू साइन थीटा है वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा यू होगा वो कम होता जाएगा। अगर यू कम होगा तो मेरा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था ये वाला गाइस एट, ये मेरा इसी पे डिपेंड हो रहा है वी पे, और अगर वी का मैग्नीट्यूड ही कम होता जाएगा यानी हाँ यस गाइस जो वी का मैग्नीट्यूड अगर वही कम होगा तो मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। और मैं जानता हूँ कि जब प्रोजेक्टाइल ये इस हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तो जो हमारा यू साइन थीटा है इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। अगर ये वाली टर्म बढ़ना शुरू होगी तो हमारा जो यू है इसकी वैल्यू भी बढ़ना शुरू होगी, और अगर ये बढ़ना शुरू होगा तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है एटी इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ना शुरू होगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो पहले तो डिक्रीज़ करेगा बाद में इंक्रीज़ करेगा। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस। और गाइस अब मैं ये सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक है ना वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और गाइस आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू गाइज़।